गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में एक बहुत सी अनोखा स्टॉक है। ये स्टॉक मटेरियल जॉइनिंग की कम करती है, मतलब दो मटेरियल जॉइन करती है। क्या बिजनेस है वो तो मैं आप लोगों को दिखाई दूंगा बाद में। तो अगर रिटेलर्स की होल्डिंग के बारे में बात करें, ये एक खास बात है कि सिर्फ 33% रिटेलर्स का होल्डिंग है, मतलब हम आप जैसे लोगों का होल्डिंग सिर्फ छोटे मोटे रिटेलर्स का होल्डिंग सिर्फ 33% है। DII का होल्डिंग है इसमें। अगर कंपनी के बारे में बात करें तो अच्छा खासा प्रॉफिटेबल निकल के आती है कंपनी। बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है लेकिन कॉन्स्टेंट प्रॉफिट देती है कंपनी। आज के ट्रेडिंग के बारे में बात करें तो 69% माल आज लोग CNC में घर के गए और स्टॉक में लिक्विडिटी बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। ये स्टॉक एक स्मॉल कैप स्टॉक है बाय द वे, 120 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है कंपनी। उसके बावजूद सिर्फ 3000 या 4000 क्वांटिटी हर दिन ट्रेड होता है। तो देख लेते हैं, पहले चार्ट देख लेते हैं कंपनी कैसी है, क्या उसका बेस्ट एंट्री पॉइंट निकल के आती है और लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी कैसी है। उसके बाद बात करेंगे कि फंडामेंटल्स के बारे में और मार्केट के फिगर के बारे में, कंपनी के फिगर्स के बारे में, मार्केट कैप क्या निकल के आती है, उसके साथ साथ कितना प्लेज हो रखा है, कौन होल्डिंग, वो सब भी देख लेंगे। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो कंपनी का नेम है शिवालिक बायमेटल कंट्रोल लिमिटेड। ये कंस्ट्रक्शन नहीं है, कंट्रोल लिमिटेड है। ये NSE का डेली चार्ट खुला हुआ है। NSE में लिस्टेड हुआ हुए बहुत दिन नहीं हुआ है लेकिन आज ये स्टॉक ऑलमोस्ट 0.75% अप था, 120 रुपीज़ के आसपास का ट्रेड कर रही है कंपनी। अगर हम लोग BSE के बारे में बात करें तो BSE में बहुत ही पुराना स्टॉक है ये, देखते हैं आप लोगों को दिखाता हूँ एक सेकेंड। ये आप लोग देख सकते हो BSE में कब से लिस्टेड है कंपनी। से भी पहले का कंपनी है ये, 2003 का नवंबर का कंपनी है, हाल ही में NSE में लिस्टेड हुआ कंपनी। अगर चार्ट तो NSE में तो कोई चार्ट पैटर्न फॉर्म ही नहीं होगा क्योंकि अभी, और ये फिलहाल अपने जो ऑल टाइम हाई है उसके अराउंड रेजिस्टेंस खा के फिर से नीचे गिर गई है कंपनी। जो ऑल टाइम हाई है मतलब जब से कंपनी लिस्टेड हुआ है तब से जो इसका हाई निकल के आता है तब से 52 वीक हाई एंड ऑल टाइम हाई, 80 डिफरेंट होता है दोनों, 52 वीक हाई तो 52 वीक का हाई एंड लो बताती है, हाई लो, और ऑल टाइम हाई लो बताती है जब से कंपनी लिस्टेड हुआ है तब से उसका हाई एंड लो। तो ये जैसे कि 2018 और 19 में दो बार पेंट्रेट करने की कोशिश किया था ये वाला जो रेजिस्टेंस निकल के आता है, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। अब देख लेते हैं जो उसका पहले, अब लेवल्स क्या निकल के आते हैं कंपनी का। अगर एक चीज़ है कंपनी में, अगर ये जो 140 के लेवल्स है ना, अगर इससे ऊपर चली जाती है कंपनी तो आराम से आप लोगों को 250 या 300 रुपये तक का टारगेट ये कंपनी दिखा सकती है। अगर इसके ऊपर प्रॉपरली क्लोजिंग हो जाता है विदाउट एनी इशू और RSI भी ठीक ठाक रहे कि ट्रेडिंग हो रहा है उसके साथ साथ, अगर अपर सर्किट में क्लोज हुआ तो तब नहीं जाएगा 200 मैक्सिमम जाएगा, अगर RSI भी अराउंड 70 to 75 के आसपास, एटलीस्ट 70 to 80 के बीच में ट्रेड कर रहा है RSI, उसके साथ साथ अगर ये कंपनी जाती है ना, ब्रेकआउट होती है सब कुछ, तो आराम से आप लोग बोल सकते हो कि 140 250 के लेवल्स आराम से टच करेगी ये कंपनी अगर RSI ठीक रहता है। अगर RSI ओवरबॉट जोन में चला जाता है तो 200 मैक्सिमम, अगर ट्रेडिंग होता है तो 250 आराम से चला जाएगा स्टॉक। एक चीज़ नोटिस कर सकते हो, जब से NSE में लिस्टेड हुआ है तब से ये स्टॉक एक जोन में कंसोलिडेट कर रहा है कंपनी। अगर नीचे के लेवल्स की बात करें तो एक रेजिस्टेंस एरिया आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है जो कि निकल के आ रहा है ऑलमोस्ट, अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो निकल के आएगा ऑलमोस्ट इस जोन के, जो कि निकल के आता है 114 रुपीज़ के आसपास, जो रेजिस्टेंस एरिया है वो निकल के आती है 114 रुपीज़ के आसपास। तो अब क्या करना चाहिए, होल्ड करो, जल्दी मत करो, होल्ड करो, पहले ये जो कंसोलिडेशन पीरियड है इसे बीत जाने दो, क्या पता ये ऊपर या नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे। पर्सनली मुझे लगता है इतना ज़्यादा कंसोलिडेट होने के बाद ये ऊपर की तरफ ही ब्रेकआउट देगी लेकिन फिर से जो रेजिस्टेंस एरिया है वो टच करके नीचे गिर सकती है। अगर ऊपर जाती है तो बाई मत करना, बाई करना 139 प्लस, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाती है आराम से, अगर 150 के लेवल से बाई करना, अगर 150 के इसके ऊपर चली जाती है कंसोलिडेट करते करते ऊपर चली जाती है तो 150 के लेवल से मिलता है तो बाई करना, तो ही बाई करना 150 के लेवल से। अगर नीचे चली जाती है कंपनी तो अगर 114 से सक्सेसफुली सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ बाउंस बैक करती है तो 139 या 140 के लेवल्स तक आप लोग होल्ड करके चल सकते हो कंपनी को।
अगर कंपनी 114 से भी नीचे चली जाती है तो आप लोग ये जो लेवल दिख रहा है ना 100 की लेवल एक सपोर्टेड ईयर, मुझे पर्सनली लगता है 2x2 रूल के अकॉर्डिंग कि 100 के लेवल से 65 तक के नीचे नहीं जाएगी। अगर जाती है तो छोड़ दो स्टॉक, होल्ड मत करो जब इसमें करेक्शन ना आए स्टॉक में। अगर आप लोग को 100 के लेवल्स में मिलता है तो फर्स्ट टारगेट निकल जाएगा ऑलमोस्ट 114 रुपीज़ के आसपास, सेकंड टारगेट निकल जाएगा 139 रुपीज़ के आसपास। अगर जो मैंने पहले बताया कि 150 के लेवल्स क्रॉस कर देती है कंपनी तो ये कंपनी आराम से 200 के लेवल्स आप लोग को दिखा सकती है। अगर नहीं क्रॉस कर पाती है कंपनी तो बाउंस बैक के लिए वेट करो। सॉरी गाइज, अगर नहीं क्रॉस कर पाती है, सॉरी गाइज एक सेकेंड, हाँ अगर नहीं क्रॉस कर पाती है नीचे गिर जाती है तो ये सब लेवल्स के लिए वेट करो। कहाँ से बाउंस बैक होता है उसके लिए वेट करो, उसके ऊपर का जो रेजिस्टेंस निकल जाएगा वहाँ तक का टारगेट लगा के आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हो। तो गाइज एक बार फंडामेंटल्स चेक कर लेते हैं कंपनी का। तो ये आप लोग BSE का चार्ट देख सकते हो, 3199 क्वांटिटी ऑलमोस्ट ट्रेड हुआ है जिसमें से 2000 क्वांटिटी लोग घर लेके गए CNC में, 2000 प्लस क्वांटिटी। आज गाइज मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब है, अगर गला कुछ ख़राब लगे या तो फिर कुछ प्रॉब्लम हो तो मैनेज कर लेना गाइज प्लीज़, इसलिए मैं बार बार ब्रेक नहीं ले रहा हूँ वीडियो बनाने के बीच में। अगर आप लोग टाइम को नोटिस किया होगे तो आप लोग देख सकते हो, प्लीज़ गाइज मैनेज कर लेना, इसलिए मैं मेरा जो वॉइस है वो भी ब्रेक कर रहा होगा और उसके साथ साथ जो बात है मैं बोलना चाहता हूँ वो भी बोला नहीं जा रहा है, इसलिए मैं जितना हो सके शॉर्ट में बता रहा हूँ आप लोगों को। तो देख सकते हो, आप लोग देख लो और फंडामेंटल्स दिखा देता हूँ आप लोगों को। यही शायद लास्ट वीडियो रहेगी आज का, क्या पता इसके बाद एक स्टॉक है मैं वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं। मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है आज, इसलिए कल वीडियो भी नहीं आया। कल तो मैं बिज़ी था, उसके साथ साथ मतलब वेदर भी ख़राब चल रहा था, बारिश हो रहा था, भीग गया पूरा, तबीयत बहुत ख़राब हो रहा है। चलिए गाइस बेकार बातें ना बढ़ा के मैं वीडियो सॉरी गाइस फंडामेंटल्स दिखाता हूँ आप लोगों को। ये रहा शिवालिक बायोमेटल कंट्रोल्स का, अगर आप लोग देख सकते हो तो पढ़ना चाहते हो तो पॉज करके पढ़ सकते हो। डिफ्यूजन बॉन्डिंग, क्लैडिंग, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, शोल्डर रिफ्लो, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, आवर प्रेजेंट प्रोग्राम इंक्लूड्स थर्मोस्टेटिक बायोमेटल, क्लैड मेटल, स्प्रिंग रोल्ड स्टेनलेस स्टील, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डेड मटेरियल विथ मल्टी गॉज एंड मल्टी मटेरियल स्ट्रिप्स एंड थर्मोस्टेटिक एज। पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। की पॉइंट्स दिखा देता हूँ आप लोगों को, मार्केट कैप 460 करोड़, बुक वैल्यू से काफ़ी हाई में ट्रेड कर रही है कंपनी। फिलहाल ये कंपनी ट्रेडिंग अराउंड 52 वीक हाई कंपेयर टू द 52 वीक लो। डिविडेंड 0.25% की देती है कंपनी। ROC के बारे में बात करें तो 23.8%, ROE 20%, लो के बारे में बात करें तो 34.2%। एक साल में देख लेते हैं कितना रिटर्न देखे गई है कंपनी, तो एक साल में ऑलमोस्ट 312% का रिटर्न देखे जा रही है कंपनी। अगर आप लोग ग्रैब करना चाहते हो तो ग्रैब करके चल सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। पहले फंडामेंटल्स एक बार देख लेते हैं, मतलब 300% ऑलमोस्ट 250% का अगर कोई होल्ड करा होगा तो 250% का तो एटलीस्ट गेन होगा ही होगा उसको। प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करें, प्रोज एंड कॉन्स कुछ भी नहीं है कंपनी में। क्वार्टरली रिजल्ट आप लोग देख सकते हो कंपनी का, सेल्स 66.86, एक्सपेंसेस 54.2, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें हल्का सा जंप देखने को मिल रहा है, लेकिन जो नेट प्रॉफिट है उसमें भी सिर्फ 1,000,000 का फर्क आया है। सेल्स और एक्सपेंसेस के बारे में बात करें, सेल्स में अच्छा खासा जंप देखने को मिला है, रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल्स, मतलब 2008 से कभी भी इतना सेल नहीं हुआ है कंपनी को। 10 साल क्या 11-12 साल में इतना अच्छा सेल कंपनी को कभी भी नहीं हुआ है। ऑलमोस्ट डबल के आसपास प्रॉफिट में जंप देखने को मिला है, 13-25, मतलब ऑलमोस्ट डबल। कंपनी अपने डेब्ट रिड्यूस करते आ रहा है लगातार 3 सालों से, रिजर्व अच्छा खासा है कंपनी के पास, अगर कभी भी चाहती है तो कंपनी डेब्ट फ्री हो सकती है। कैश फ्लो के बारे में बात करें, कैश फ्लो में 15 करोड़ का जंप देखने को मिला है आप लोगों को। शेयरिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो 60.61% प्रोमोटर्स ने अपना होल्डिंग इंक्रीज़ किया है लास्ट जून के क्वार्टर में। पब्लिक जो DIIs का होल्डिंग है वो कांस्टेंट है ऑलमोस्ट पिछले 2019 का दिसंबर से। DIIs ने बीच में होल्डिंग इंक्रीज़ किया था लेकिन जून 2018 से ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही है DIIs का होल्डिंग। पब्लिक के बारे में बात करें, पब्लिक में किन किन का होल्डिंग है, जैसे कि मैंने बताया सब निकाल हटा के आता है, ऑलमोस्ट 33% का रिटेलर्स होल्डिंग निकल के आता है सब कुछ हटा के।
तो लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग होल्ड करके चल सकते हो, 6 out of 10 रहेगा। स्विंग ट्रेड के लिए अच्छा है कंपनी, ब्रेकआउट के बाद कंपनी भागेगी इतना मैं बोल सकता हूँ। स्विंग ट्रेडिंग के लिए इतना भी ज़्यादा कुछ खास नहीं है। आज का जो पहले वाला जो स्टॉक था, इससे पहले वाला जो स्टॉक इज़मो करके, वो तो बेस्ट स्टॉक था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो चैनल के वीडियो में जाके देख सकते हो, वीडियो सेक्शन में जाके, इज़मो करके है नाम उसका कंपनी का, वो तो बेस्ट स्टॉक है। अगर कोई बिगिनर है उनके लिए भी, प्रैक्टिस करने के लिए भी, एक्सपीरियंस है उन लोगों के भी, सबके लिए बेस्ट स्टॉक है। अगर स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बात करें तो इज़मो बेस्ट स्टॉक है। एक बच्चा भी उसमें ट्रेड कर लेगा अगर उसको जो की पॉइंट्स है जो मैंने बताया उसे, अगर वो अगर उससे समझ में आ जाए तो। चलो गाइस, आज के वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। टिल देन बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, कीप सपोर्टिंग, बाय गाइस। इस कोरोना काल में गाइस सेफ रहना, घर में रहना। बहुत लोग से बहुत बुरी बुरी न्यूज़ आ रही है कि मेरा बहुत सारे सब्सक्राइबर्स को कोरोना हो गया है, क्या ही बोले गाइस। काम भी है लेकिन भाई हेल्थ, एक बात बोलूँ, हेल्थ इज़ द नंबर वन प्रायोरिटी ड्यूरिंग दिस कोरोना टाइम। हेल्थ को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दो। हाँ, हेल्थ ख़राब है, काम मत करो एक दिन, ठीक है, पैसे कभी भी कमा सकते हो, लेकिन अगर हेल्थ को कुछ हो जाता है ना इस टाइम पे, आप तो भोगेंगे ही, आप तो भोगेंगे ही, उसके साथ साथ जो अपना रिलेटिव्स है या तो फिर घर में जो कोई भी है उसे भी भुगना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। सॉरी गाइस, आज मेरा भी हालत खड़ा हो रखा है। हेलो गाइस, आज ये शायद का लास्ट वीडियो है, अगले वीडियो में मिलते हैं, अगले दिन कल मिलते हैं, या तो फिर आज अगर मूड रहा तो अभी से 6 बजे तो एक वीडियो और बना दूंगा। बाय गाइस।